हेलो दोस्तों, इस वीडियो में माध्यिका को कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखेंगे। तो देखें, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसमें आंकड़ा दिया है 25, 23, 45, 40, 42, 38 और 32, ये आंकड़ा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो चलिए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे छोटा कौन है, 23 है, तो 23 के बाद कौन छोटा है, देखिए 25 है, 25 के बाद कौन आएगा, 25 के बाद आपका 32 आएगा, 32 के बाद 38 आएगा, फिर 38 के बाद आ जाएगा 40, फिर 40 के बाद आ जाएगा 42, और 42 के बाद आ जाएगा 45। तो ये जो आंकड़ा दिया है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। तो अब इस आंकड़े जो आंकड़ा है उनकी संख्या कितनी है गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अर्थात आंकड़ों की संख्या कितना दिया है उसको भी लिखना पड़ता है। आंकड़ों की संख्या n का मान 7 है। देखिए दोस्तों, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यिका निकालने का सूत्र जो होता है n+1/2 वह पद होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, उसके लिए सूत्र होगा माध्यिका इक्वल टू होता है n+1/2 पद, ठीक है। ये माध्यिका का सूत्र है। यहाँ पर n का मान कितना है, 7+1/2 वह पद, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू को रख दिया हूँ। अब इसको हल करेंगे तो 7 और 1 8/2 पद हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, अर्थात कौन सा पद, चौथा पद, ठीक है, चौथा पद हो जाएगा। अर्थात देखिए चौथा पद क्या है, यहाँ से गिनिए 1, 2, 3 और 4, अर्थात चौथा पद आपका है 38। अतः इस प्रश्न का माध्यिका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न ये भी माध्यिका, इसमें भी ज्ञात करना है, जो कि आप लोगों के छत्तीसगढ़ 2022 सेट बी में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आंकड़ा दिया है उसका भी माध्यिका निकालना है। तो जितना भी आंकड़ा दिया रहता है सबसे पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 102 है, तो वही 102 पहले आएगा। छोटे से बड़े लिखते हुए जाते हैं उसको बढ़ते हुए क्रम बोला जाता है। फिर 102 के बाद यहाँ पर 106 है, ठीक है, 106 के बाद आ जाएगा 110 आ जाएगा, फिर 110 के बाद आ जाएगा 115, ठीक है, फिर 115 के बाद देखिए 117 आ जाएगा ये, फिर 117 के बाद आपका आ जाएगा 123 आ जाएगा, ठीक है, 123, फिर 123 के बाद देखिए कौन आएगा, 125 आएगा, ठीक है। हमने इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। अब देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात इसमें आंकड़ों की संख्या कितना दिया है, 7 दिया है। आंकड़ों की संख्या कितना दिया है, 7, और 7 एक विषम संख्या है। अतः माध्यिका निकालने के लिए सूत्र होगा माध्यिका इक्वल टू कितना होता है, n+1/2 पद, ठीक है। अब यहाँ पर n का वैल्यू यही होता है दोस्तों, आंकड़ों की संख्या ही n का वैल्यू होता है। तो n का मान 7 रखेंगे, 7+1/2, ठीक है, बाकी तो इसको लिखा ही जाएगा पद, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो ये 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/2 पद हो जाएगा, ठीक है, 8/2 पद। अब इसको कटाएंगे, 2 2 4 8, अर्थात कौन सा पद आ गया, चौथा पद आ गया, चौथा पद। तो देखिए दोस्तों चौथा पद
ये जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है वो चौथा पद कौन है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, अर्थात आपका चौथा पद 115 हो गया। अतः इसका उत्तर है 115। अतः इस प्रश्न का उत्तर 115 है, मध्य का है। ठीक है।